हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग में फियर को ओवरकम कर सकते हैं। फियर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फेस करते हैं, जिसके कारण वो ट्रेड में कंटिन्यूसली लूज करते जाते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि फियर के कारण हम कौन कौन सी जनरल मिस्टेक ट्रेडिंग में करते हैं, तो सबसे पहली है कि हम हमारे प्रॉफिट से काफ़ी जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। मीन्स हम हमारे प्रॉफिट को काफ़ी जल्दी कट कर लेते हैं, ये सोच के कि कहीं हमें लूज ना हो जाए, राइट। सेकेंड मिस्टेक हम जो करते हैं फियर का कारण, वो है कि हम ट्रेड सही होने के बाद भी ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। मीन्स अगर हमने ट्रेड यहाँ लिया है, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पुट किया है, तो जब हमारा जो ट्रेड है वो लिटिल डाउन होता है, हम तभी एग्जिट हो जाते हैं और बाद में वो ट्रेड लिटिल डाउन जाके अपसाइड जाता है तो हमें लॉस हो जाता है। फियर के कारण कभी कभार हम ट्रेड लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें ये डर होता है कि कहीं हमें लूज़ ना हो जाए, इसके कारण हम उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। कई कबार फियर के कारण हम फोमो ट्रेडिंग करने लगते हैं, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी जो एक कंटिन्यूसली ट्रेंड चलता है, मीन्स कोई एक अप ट्रेंड है, उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई, उस टाइम पर आप ये सोचते हैं कि कहीं ये मूव मिस ना हो जाए, इसलिए आप पीक पर ट्रेड ले लेते हो और उसके बाद वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है तो आपको लॉस हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम फियर को कंट्रोल करें। मुझे मालूम है कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस फियर को कंट्रोल करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 टाइप ऑफ फियर शेयर करूँगी कि कितने टाइप के एग्जैक्टली फियर होते हैं और किस किस तरीके से आप इन फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रेडिंग रिलेटेड वो आप तुरंत देख सकें। एंड येस गाइस, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर हमने ट्रेडिंग में फियर को कंट्रोल नहीं किया तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इवन अगर आपका एनालिसिस सही है, आपका ट्रेड सही है, आपने सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किया, आपने सही रिस्क मैनेजमेंट भी किया, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी फियर है, मतलब ट्रेड लेने से आपको डर लगता है, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो आज से जब 2 साल पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तब मैंने ट्रेडिंग सीखी और एक पॉइंट पर मुझे ट्रेडिंग आने लगी थी। मतलब मेरे एनालिसिस सही होते थे, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही होता था, मेरा स्ट्रैटेजी थी वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बट स्टिल मैं ट्रेडिंग में लूज़ कर रही थी। क्यों? क्योंकि डर के कारण मैं मैक्स टू मैक्स अपॉर्चुनिटी मिस कर देती थी, जिसके कारण मैं फोमो ट्रेडिंग करने लगती थी, और उसके बाद भी मैं फोमो ट्रेडिंग के बाद अपने जो प्रॉफिट्स होते थे उनको काफ़ी जल्दी कट कर लेती थी, जिसका रिजल्ट क्या होता था कि जो मेरे लॉसेस होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे और जो मेरे प्रॉफिट होते थे वो काफ़ी छोटे होते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे फियर ट्रेडिंग से हटाना होगा, अदरवाइज मेरा एनालिसिस सही होने के बाद भी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो डेफिनेटली नहीं बन पाऊँ। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जिसके थ्रू मैंने इन सभी टाइप के फियर से ओवरकम करा था, और आज वही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फियर को हटाने से पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमें एग्जैक्टली ट्रेडिंग में फियर होता क्यों है, राइट। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम एक मेंटेलिटी के साथ लेते हैं कि ये ट्रेड डेफिनेटली सही होगा। मीन्स अगर आप खुद ही सोचिए, अपने जो लास्ट आपने रिसेंट के 5 ट्रेड लिए थे, उस टाइम पे आपकी मेंटेलिटी ऐसी थी क्या कि नो ये ट्रेड गलत हो सकता है? आपने वो ट्रेड यही सोच के लिया था कि यस ये ट्रेड डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा, जिसके कारण क्या होता है कि आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, क्योंकि यह आफ्टर ऑल आपके मनी का सवाल है, राइट। मतलब आपके पैसे इसमें लगे तो आपका इमोशनली कनेक्ट होना इसमें बनी बात है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी इस मेंटेलिटी के साथ हम ट्रेड लेते हैं कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, और जब ट्रेड लिटिल सा डाउन जाता है, लिटिल सा रिवर्स जाता है, तो इस टाइम पे हम पैनिक करने लगते हैं, हमें फियर होने लगता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे लास्ट ट्रेड जो लूजिंग ट्रेड थे हम उससे कनेक्ट करने लगते हैं। और क्या होता है कि इधर या तो हम उस ट्रेड से अर्ली एग्जिट हो जाते हैं या फिर हम हमारे स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास्ट परफॉर्मेंस पर। मतलब कि अगर रिसेंटली में आपका कोई ट्रेड था जिसमें आपने स्टॉप लॉस पुट किया था और कोई ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट करके अपसाइड चला जाएगा, तो आप उस स्टॉप लॉस को ही डाउन कर देंगे, जिसके कारण आपका लॉस और बढ़ जाएगा। कई कबार आप अर्ली प्रॉफिट से एग्जिट हो जाते हैं ये सोचकर कि मेरे पास जितना प्रॉफिट है मैं उतने में खुश हूँ, राइट। तो इसीलिए फियर को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, और फियर को कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रेड से सबसे पहली बात इमोशनली कनेक्ट होना बंद कर दीजिए।
मीन्स आप ट्रेडिंग में एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे, ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं रखना है। वेल गाइज, अगर मैं जनरल बात बोलूँ तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो इस मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मुझे इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो इस पॉइंट तक होगा, और अगर मुझे लॉस हुआ तो इस पॉइंट तक होगा, और वो उसी अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अगर उनका लॉस हिट हो भी जाता है तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, ट्रेडिंग है, लॉसेस होंगे, और वो नेक्स्ट ट्रेड पर फोकस करते हैं। जबकि हम लोग जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, न्यूवेस्ट ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई लॉस होता है हम उस पर काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मार्केट ने मेरे साथ ऐसा किया, और हम इसी कारण उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो फियर हमारे अंदर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इमोशनली ट्रेडिंग से कनेक्ट होना बंद कर दीजिए। ओके, अब जानते हैं कि एग्जैक्टली फियर के पीछे रीज़न क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फियर। तो जनरली मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि मेजरली टू रीज़न्स होते हैं फियर के पीछे। सो द फर्स्ट इज़ कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स को देखा कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण वो ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको कार ड्राइव करना नहीं आती है और अगर आप डायरेक्ट हाईवे पर कार ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपको कार ड्राइव करना आती है, आपने ऑलरेडी हाईवे पर चलाई है, तो इस कंडीशन में आपको डर नहीं लगेगा और आप स्मूथली ट्रेडिंग ड्राइविंग कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग में प्रॉपर नॉलेज लीजिए। ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रैटेजी किस कंडीशन में वर्क करती है, किस कंडीशन में वर्क नहीं करती, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंड रीज़न होता है जिसके कारण ट्रेडिंग में ट्रेडर लूज़ करते हैं, वो रीज़न है कि वो अपने रिस्क लिमिट से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। क्या होता है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा रिस्क लेते हैं और जब आप उसको कंटिन्यूस फॉल होते हुए देखते हैं, तो आप पैनिक करने लगते हैं, जिसके कारण आपको फियर होके आप ट्रेड में ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं जो कि डेफिनेटली आपको मालूम है कि आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपका 10,000 रुपीज़ कैपिटल है और आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ ही लॉस करेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस तो पुट करते हैं, आप टारगेट भी पुट करते हैं, लेकिन आप पोजीशन साइजिंग गलत कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब आपका ट्रेड है वो रिवर्स होता है और वो डाउन जाता है, तो वो 100 जब 500 रुपीज़ शो करता है तो आप पैनिक करने लगते हैं, आपको डर लगने लगता है, क्योंकि आपकी मनी लूज़ हो रही है, राइट, वो भी आपने जितना रिस्क लेना चाहिए था उससे ज़्यादा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलें, जितना आप रिस्क ले सकते हैं आप सिर्फ उतना ही रिस्क लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर नॉलेज लें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो ये जो आपका फियर की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 5 टाइप के फियर होते हैं जो कि मेजरली ट्रेडर्स को होता है और किस किस तरीके से आप इन फियर को हटा सकते हैं। सो द नंबर 1 फियर इज़ फियर ऑफ अननोन। यस, फियर ऑफ अननोन मतलब कि हमें नहीं पता है आगे क्या होगा, जिसके कारण हमें डर लगता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आपको ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस कंडीशन में वर्क करती है, किस कंडीशन में वर्क नहीं करती है, तब आपको ऑटोमेटिकली फियर लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे, जैसे कि सोचिए हैमर बन रहा है और हमें मालूम है कि अगर हैमर की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बने तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, और हमें मालूम है कि ये ट्रेड अपसाइड जाएगा और अगर लॉस होगा भी तो हमें एक सर्टन लिमिट तक होगा। लेकिन जिस ट्रेडर को नहीं मालूम है कि हैमर क्या होता है और उसके बावजूद वो ट्रेड लेगा, तो वो टोटल टाइम यही सोचता रहेगा कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, तो वो फियर ऑफ अननोन होता है। जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, आप YouTube वीडियोस देखिए, आप ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कि आपका जो फियर ऑफ अननोन है वो हट सके, राइट। जो सेकंड फियर का टाइप है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, फियर ऑफ मिसिंग आउट मींस फोमो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कोई ट्रेड देखते हैं और वो ट्रेड में जब एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम उस जो सिग्नल देती है हम उसको मिस कर देते हैं, उसके बाद ट्रेड हमारे ही अकॉर्डिंग जाता है, मतलब कि जैसा आपने एनालाइज किया था कि वो अपसाइड जाएगा, वो अपसाइड जा रहा होता है। इस कंडीशन में आपको फोमो होने लगता है कि मैं कहीं जो ट्रेंड है उसको मिस ना कर दूं, और आप जब उसका ट्रेंड ओवर हो जाता है, मींस एट द पीक, आप उस ट्रेड को बाय करते हैं और वहां से ट्रेड रिवर्स हो जाता है, राइट। इसको हम फोमो बोलते हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से डील करने का एक ही वो है कि जब भी आपका जो स्ट्रैटेजी है वो आपको सिग्नल दे रही है, तब
उसमें ट्रेड ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि नेक्स्ट क्या होगा। हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे, लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए ताकि कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ फिक्स रहें, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहेंगे और आप अपने टारगेट के साथ भी स्टिक रहेंगे। इसीलिए जब भी कोई सिग्नल आए उस पर ट्रेड लीजिए। एंड यस गाइस, वन मोर थिंग, हमेशा रैंडम ट्रेड से बचिए। मींस अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको सिग्नल नहीं दे रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सही ट्रेड लेंगे और इसके थ्रू आपका जो फियर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो तीसरा टाइप है फियर का, वो है फियर ऑफ लूजिंग मनी। आई थिंक ये सबसे बड़ा फियर होता है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी यही फियर था, फियर ऑफ लूजिंग मनी। और कहीं ना कहीं ये फियर आपको भी होगा, इसलिए फियर ऑफ लूजिंग मनी से डील करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे डिफ़िकल्ट भी होता है। क्योंकि जब बात मनी की आ जाती है तो हम उससे साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे पैसों की बात होती है। इसीलिए आपको समझना होगा कि जो ट्रेडिंग है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट गाइज। और इसके लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी का यूज़ करना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी पर बिलीव करना होगा, क्योंकि आपने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है, आपको मालूम है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो खुद पर भरोसा रखिए, अपने एनालिसिस पर भरोसा रखिए और उसके बेसिस में आप ट्रेड लीजिए। और साथ ही साथ जब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़े कम क्वांटिटी में कीजिए, थोड़ा कम रिस्क के साथ लीजिए, जिससे क्या होगा आपका जो खुद पे कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ही आप ट्रेड में जो आपका फियर है वो कम होने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हैं तो जो आपका फियर है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा एनालिसिस सही है, मुझे अगर लूज़ हो भी रहा है तो मेरे लॉसेस काफ़ी कम हैं और मेरे प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इस फियर से ओवरकम कर लेंगे, राइट। अब आ जाता है हमारा फोर्थ फियर, वो होता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यस, मतलब कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होती है तब हम कंटिन्यूसली लूज़ कर रहे होते हैं, जिसके कारण ये जो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग है ये हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको प्रैक्टिस करना होगा, उसको बैक टेस्ट करना होगा। आपको लाइव मार्केट के साथ साथ आफ्टर मार्केट भी उतना ही वर्क करना होगा। और जब आप ये देखेंगे, जब आप कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि यस मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तब आप ट्रेड लेने लगेंगे हमेशा। और इस मेंटेलिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा कि ट्रेडिंग में लॉसेस हो सकते हैं और लॉसेस होंगे, क्योंकि हम लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। यस, हम उन लॉसेस को कम कर सकते हैं, इसीलिए आप एक सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ कीजिए। क्योंकि हर ट्रेडर गलत होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी गलत होता है, एक न्यूवेस्ट ट्रेडर भी गलत होता है, एक एमेचर ट्रेडर भी गलत होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ये समझते हैं कि यस, अगर हम गलत हो भी गए तो इट्स ओके, हम सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ही लूज़ करेंगे जो कि हमारे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है, हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट्स भी होते हैं और हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस भी होते हैं। इसलिए हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ट्रेडिंग में हम 100% प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, हमें ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे ही होंगे। एंड एट द लास्ट से फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट, ये जनरल फियर होता है जो कि मुझे भी था। मतलब कि हमारा जितना प्रॉफिट होता है हमें डर लगने लगता है कि ऐसा नहीं हो मार्केट वो भी हमसे ले रहे। मीन्स अगर आपने ट्रेड 100 रुपीज़ पे लिया है और जैसे ही वो ट्रेड 101, 102, 103 जाता है, आप इस कंडीशन में जब वो 3 जाता है और वो लिटिल सा डाउन आके 2 आता है तो आप पैनिक करने लगते हैं और आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। जबकि वो ट्रेड लिटिल डाउन आके वो वापस 105 तक जाता है, जो कि आपका टारगेट था। लेकिन आपके अंदर साइकोलॉजी ये होती है कि कहीं जो मेरा जो 2 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो भी कहीं नहीं चला जाए। उसका रीज़न होता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ स्टिक नहीं है, आप अपने प्लान के साथ स्टिक नहीं है। गाइस, ट्रेडिंग में एक प्लान का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताता है कि किस कंडीशन में क्या करना है, राइट। तो एक ट्रेडिंग में प्लान क्रिएट कीजिए कि किस किस पॉइंट पर आप ट्रेड लेंगे, कब आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहेंगे, और उसको जब भी आप ट्रेड करें उसको अपने ट्रेडिंग डेस्क के यहाँ पे रखिए, उसको पढ़िए ताकि कि आप ये समझ सकें कि किस पॉइंट पर आपको क्या करना है। वेल, मैंने आपके साथ एक ई बुक शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको एक ट्रेडिंग प्लान का टैम्पलेट शेयर किया था। गाइस, वो ट्रेडिंग टैम्पलेट बहुत अच्छा है, मैं खुद उसी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करती हूँ। वेल गाइस, जो ट्रेडिंग प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ट्रेडिंग प्लान मैंने खुद ने क्रिएट किया था। मतलब कि मैंने अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक को कंट्रोल करने के लिए उस ट्रेडिंग प्लान को बनाया था। वेल, वो ट्रेडिंग प्लान काफ़ी अफेक्टिव है। तो अगर आपने अभी तक उस ट्रेडिंग प्लान को
नहीं लिया है तो आप आज ही उस ट्रेडिंग प्लान को ले सकते हैं एट जस्ट ₹39 जो मैंने आपके साथ ई बुक शेयर करी थी द रोड मैप टू ट्रेडिंग सक्सेस, मैं उसके नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। वेल गाइस, फियर को कंट्रोल करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, फोर चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अ ट्रेडिंग प्लान, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जो कि आपको बताए कि कब आपको ट्रेड लेना है कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, राइट। सेकेंड चीज़ होती है ट्रेडिंग जर्नल, मतलब कि आप रिकॉर्ड करें कि आज मैंने ट्रेड में क्या मिस्टेक करी है, कल मैंने ट्रेड में क्या मिस्टेक करी है, ताकि कि आप इनको समझ सकें और इनसे ओवरकम कर सकें। मतलब कि जब आप कोई मिस्टेक होती हैं और ये जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है ना, ये हम ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली करते जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें ध्यान दें और इसको कम करें। तो एक ट्रेडिंग जर्नल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हमारे जो मनी है, जो हमारा रिस्क है, उसको मैनेज करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फियर है वो कम हो जाएगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेकिंग एक्शन। यस गाइस, जो भी मैंने आपको पॉइंट शेयर करें, जिस जिस तरीके से आप इनको हटा सकते हैं, उन पर आज इसे एक्शन लीजिए। फियर को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि हम हमारे जो फियर हैं उन पर एक्शन लें। जैसे जैसे हम उन पर एक्शन लेने लगेंगे, फियर ऑटोमेटिकली हटने लगेंगे। और इन्हीं चारों चीज़ों के लिए मैंने आपके साथ एक ई बुक शेयर करी थी, द रोड मैप टू ट्रेडिंग सक्सेस। इसमें मैंने आपके साथ ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल और रिस्क मैनेजमेंट के गाइड शेयर करी थी। तो अगर आपने वो ई बुक परचेस नहीं करी है तो मैं नीचे उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इस ई बुक को आज ही परचेस कर सकते हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच। यही कुछ वो वेज थे जिसके थ्रू आप फियर को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि कि वो भी ट्रेडिंग में फियर को कंट्रोल कर सकें और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। एंड यस गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।